बुद्धि रह गए भाऊजी, सही में बैल बुद्धि हो कि रह गए। साल सोचा समझदार हो गए लेकिन नए झांसा में आए गए, कैसे जिएंगे भाऊजी अगर हमका माफ नहीं करोगे, कैसे शक्ल दिखाएंगे भाऊजी तुमका, सामने कैसे आएंगे भाऊजी। माफ कर दो भाऊजी हमका। प्रोफेसर साहब, आज हम जश्न मनाना चाहते हैं। बहुत दिन बाद हमारे परिवार में खुशहाली आई है। और एक चीज बता दें, आपों को भी ना सब परिवार रहना पड़ेगा। अरे प्रोफेसर साहब, आज हम चाहते हैं कि दोनों परिवार साथ बैठ के साथ मिल के दावत करें। बताओ हाँ? चिंकिया, हम आए जाते हमरी पीठ पे बैठ जाओ, हम बन जाते तुम्हारे लिए घोड़ा। अच्छा, तेरे केचिला गोठी ना बेटा। ऐसे ना जखम का याद दिलाते रहना चाहिए, समझो, तब समझ में आएगा कि का करने से का होता है और का करने से गलत होता है, पाप होता है। कहो प्रोफेसर साहब। ठाकुर साहब प्लीज, अब गुस्से को थूक दीजिए। अरे देखिए, शक्ति ने जो कुछ भी किया है उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, अब वो सुधर चुका है, इसलिए आप भी अपने मन से उसके प्रति जो भी नफरत है उसे निकाल दीजिए और जो कुछ भी हुआ है उसे एक अतीत समझकर भूल जाइए। ये तो सही है प्रोफेसर साहब। कह दीजिए प्रोफेसर साहब, भाऊजी जौन कह रहे हैं ना वो बहुत कम है। हम जौन अपने पूरे परिवार के साथ किए हैं ना, इससे नीच काम के लिए तो भाऊजी को पूरा अधिकार है कि हमको जोन चाहे कह सकते हैं। ए, यारा। यार बुला रहे हैं। बेटा तू जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा सही गलत, वो ठीक है बेटा, लेकिन इतने से बाप बेटे का रिश्ता बदल नहीं जाता, टूट नहीं जाता बेटा। बेटा अगर तू कायदे से सराफस से रहेगा ना तो फिर से तुम्हारे बाप ठाकुर सज्जन सिंह छाती चौड़ी करके यार पूरे इलाहाबाद में घूमेगा। वैसे तुमरो जलवा होगा बेटा, कायदे से एक बार गले लग जाना खबरे।
बाबा ये यहाँ यार आप पढ़ के भाई के गले लगा ले यार। आज बेटा बहुत बहुत चोटिल हो गया है। अब बेटा जब अपने लोग ना जब अपने गले से लगाएंगे ना तब ही एक जख्म भरेगा बेटा। सज्जन फल याद रहा, पेड़ याद रहा, अरे जड़ का भूल गया? अरे जड़ की वजह से ही तुम्हारी वंश चल रहा, समझे हो कि नहीं? घंटीलाल तुम हो आ जाओ यार, तुम्हारी तो हो ये परिवार के सबसे बड़ी जड़ी बूटी।